तो खबर राजधानी शिमला से है। शिमला में हिमाचल युवा कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक रही और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अमरप्रीत लाली की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बता दें कि बैठक में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारे भी शामिल रहे, मौजूद रहे। पदमुक्त किए गए युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों से बातचीत भी इस दौरान हुई है। बैठक में कई पदाधिकारी हालांकि मौजूद नहीं थे। उपस्थित न रहने वाले पदाधिकारियों को सस्पेंड किया जाएगा, कार्रवाई भी की जाएगी। जो जो पदाधिकारी बैठक में शामिल नहीं हुए हैं उन पर यह कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड किया जाएगा। तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अमरप्रीत, युवा कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें विशेष तौर पर युवा कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के प्रभारी भाई अमरप्रीत लाली जी, विनीत कंबोज जी, सह प्रभारी हांडा जी और तमाम पूरे प्रदेश से युवा कांग्रेस के प्रदेश स्तर प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, विधानसभाओं के अध्यक्ष और पूर्व युवा कांग्रेस के साथी, एनएसयू के साथी इसमें विशेष तौर पर उपस्थित रहे। जैसा कि आपने पूछा कि भाई जो पदाधिकारी निकाले गए थे उन सब से एक एक पदाधिकारियों से, चाहे वो जिला अध्यक्ष हैं, चाहे वो विधानसभाओं के अध्यक्ष हैं, चाहे प्रदेश पदाधिकारी हैं, एक एक से उनका कारण पूछा गया कि किस कारण वो दिल्ली के कार्यक्रम में नहीं आए थे। और प्रभारी महोदयों ने साफ तौर पे कहा है कि जिनका जेन्युइन रीज़न जो उनको लगा, अभी वो लिस्ट हमारी कंपाइल हो रही है, जिनका जेन्युइन रीज़न रहेगा उनको बहाल कर दिया जाएगा और जो आज भी जो एब्सेंट रहे उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाएगा।